अभी तक जो भी हमने सीखा वो सारी टर्म्स वो सारे कॉन्सेप्ट जो थ्योरीज हमने अंडरस्टैंड की है वो कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म हम यूज करें उन सब के अंदर वो कॉमन है इट डज डजन मैटर आप एमेजॉन चूज कर रहे हैं गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट एजोर बट विद दिस पर्टिकुलर वीडियो वो जितने भी कॉन्सेप्ट थे अब हम उन्हें इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे हमारे एजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सो गाइज माई नेम इज हर्षा एंड इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने वाले हैं कोर एशो सर्विसेज जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजिंग सर्विसेज इन एशो इट मींस कि जो भी माइक्रोसॉफ्ट एशो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है जो कि आई थिंक मोर देन हंड्रेड सर्विसेज हैं हमारे पास उन सबको हम अंडरस्टैंड uh, करने की कोशिश करेंगे बट कोर जो फोकस हमारा रहेगा वो चार पे रहेगा जिनमें से सबसे पहला है कॉम्प्यूटर सेकेंड है हमारा नेटवर्किंग थर्ड है हमारा स्टोरेज एंड फोर्थ है हमारा डेटाबेसेस हम इन सब के बारे में डिटेल्स में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप इक्रोसॉफ्ट एजो सर्विस में कौन कौन से एडिशनल हमारे पास फीचर्स या ऑप्शन है हम उनके बारे में भी बात करेंगे हमारे सेकेंड पार्ट के अंदर जो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजो पोर्टल वैसे तो आप आ, आ, मुझे लगता है कि अगर आपने अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है तो आपको काफी आइडिया लग गया होगा बिकॉज इट नॉट दैट डिफिकल्ट बट मैं फिर भी आपको एक वॉक थ्रू लेके जाऊंगा बट डोंट थिंक कि यहां पर हम अभी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे हमारी कोर एशो सर्विसेज में तो एशो पोर्टल की काफी चीजें धीरे धीरे कवर होंगी तो जस्ट लाइक आई सेड बिफोर कि धीरे धीरे बढ़ते हैं सभी इंफॉर्मेशन एक साथ डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो हम एक वर्क थ्रू लेंगे एज्रो पोर्टल का और हमारी जो थर्ड है इंपॉर्टेंट वो हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एजरो के अंदर कैसे आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है मोर ओवर आपको आइडिया भी है क्योंकि हमारे पिछली वीडियो में हमने शुरू किया है बट मैंने उसको कंप्लीट नहीं दिखाया था आपको मतलब कि हम आज एक वीएम क्रिएट करने वाले हैं एंड मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि आप एक एजोर अकाउंट बनाइए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मेरी पिछली वीडियो देखिए आप उसको आप में आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपको फ्री अकाउंट बनाना है ताकि आप जो भी प्रैक्टिस uh, करना चाहे मेरे साथ वो इजिली कर पाएज लेट मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स ट्राई टू लर्न मोर अबाउट दिस मैं कर रहा हूं कि आप सबने फोर्च्यून फाइव हंड्रेड का नाम सुना होगा या इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा जिसको फॉर्चून 500 स्टैंडर्ड्स के बारे में नहीं पता मैं उनको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं क्योंकि उनके लिए हेल्पफुल रहेगा और मैं यह भी बताऊंगा कि मैं इसके बारे में क्यों डिस्कस कर बिकॉज आप सोच रहे होंगे यार ये तो रेलिवेंट भी नहीं है तो इस वीडियो में क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूं सो गाइज बेसिकली फॉर्चून फाइव हंड्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की मोस्ट रेपूटेड और मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्गेनाइजेशंस में से आती हैं जिनका जो रेवेन्यू है जो उनके एसेट्स हैं जो उनके प्रॉफिट्स हैं या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं या उनकी मार्केट वैल्यू है इन सब फैक्टर्स को कम्बाइन करके उनकी अनालिस की जाती है एवरी ईयर और ये एनालाइज किया जाता है कि इस ईयर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्चून फाइव हंड्रेड लेवल पर आती हैं या उनका कितना क्या रेवेन्यू है क्या उनका overall profits uh, throughout the year but uh अगेन यू नो जस्ट टू गिव यू द बेसिक बैकग्राउंड यहाँ पर आप रैंकिंग के हिसाब से देख सकते हैं अभी करंटली वॉलमार्ट सबसे ऊपर है बेस्ड ऑन रेवेन्यू बेस्ड ऑन देयर एसेट्स एंड एम्प्लॉयज एंड ऑल सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ फैक्टर्स विच वी कैन टॉक अबाउट मैं इसके बारे में नहीं डिटेल बता रहा लेकिन अगर आप इस लिस्ट को फॉलो करेंगे और ये पर्टिकुलर लिंक फॉलो करेंगे जो कि काफी शॉर्ट है आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इन फोर्चूल फाइव हंड्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लेकिन बताने का रीजन यहां पर यह है कि

उनमें से कोई भी सर्विसेज यूज करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे डिप्लॉय करती है सो एक्चुअली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट 90% परसेंट ऑफ दिज ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एजोर सो आई थिंक अब आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आएगा और आप डेफिनेटली मेरे साथ आगे मूव करना चाहेंगे माइक्रोसॉफ्ट एजोर सर्विसेज में सो गाइज लेट्स मूव फॉरवर्ड माइक्रोसॉफ्ट एजोर लव <laughs> आप सब यही कहेंगे कि हर्ष हमें पता है कि माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हो हमें पता है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट के एडवांटेजेस के बारे में ही बात करनी है लेकिन गाइस नहीं <laughs> हमें यह भी जानना है कि वाई एजो यस आई लव एजो दे आर मल्टीपल रीजंस एक रीजन ये भी है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूं लेकिन उसके अलावा और भी रीजन है उनमें सबसे पहला है कि माइक्रोसॉफ्ट यू नो हंड्रेड प्लस सर्विसेज ऑफ़र करता है और आई थिंक जितने भी लोग जितने भी मैंने अभी जो फॉर्चून 500 हंड्रेड के बारे में बताया उनके कितने भी प्रोजेक्ट चलते हैं कितने भी एप्लीकेशन डेवलपर्स रिलेटेड है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोई और भी काम है डेटा बेस मेन्टेनेंस है वो सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट के अंदर डिप्लॉय करे किया हुआ है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ़्ट की सर्विसेज कितनी वास्ट है और आई थिंक इन सब लोगों के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है जब ये सारी सर्विसेज़ उनको एक ही जगह मिलती है बिकॉज मैंने वो भी सिचुएशन देखी है जहां पर कुछ वर्कलोड मैंने देखा है कि माइक्रोसॉफ्ट एज्रोड पे हैं और कुछ वर्कलोड वो चल रहे हैं एमेजॉन वेब सर्विसेज पे और मुझे कभी कभी प्रॉब्लम भी होती है बिकॉज मैं माइक्रोसॉफ्ट यू नो माइग्रेट सर्विसेज को भी सपोर्ट करता हूं तो कभी कभी मैंने देखा है कि जब लोग अमेजोन uh, से माइक्रोसॉफ्ट एजोर पे माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं अपने वर्कलोड या वर्चुअल मशीन्स उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है लाइक कनेक्टिविटी इशू एंड ऑथोराइजेशन इशू तो उनको अमेजोन से या कभी कभी हम माइक्रोसॉफ्ट uh, वालों को अमेजोन के साथ कोलेबोरेट करना पड़ता है और उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम uh, uh, होती हैं वो हमें फाइंड आउट करके उनको हमें रेक्टिफाई करना पड़ता है उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है बट इमेजिन कीजिए अगर ये सारी सर्विसेज आपको एक ही जगह मिल जाए तो आपको ये प्रॉब्लम्स या माइग्रेशन की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी आपका सब सारा वर्कलोड माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म पे चल रहा है आपको अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कीजिए एंड वो आपकी हेल्प करेगी स्ट्रेट आपको किसी चीज़ का वेट करने की या किसी तरह से दूसरी कंपनी से कोलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है एनीवे लेट्स कम बैक एंड जैसा कि मैंने पहले भी एक थोड़ा सा आइडिया दिया कि कौन कौन सी सर्विसेज को हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में उनमें से हमारी चार सर्विसेज हैं जो कि हैं कंप्यूट नेटवर्किंग स्टोरेज एंड डेटा बेसिस इसी में बहुत कुछ कवर होता है गाइस बट यस मैं कोशिश करूंगा कि बाकी दूसरी वीडियोस बनाऊं जिनमें हमारी जो रिमेनिंग सर्विसेज हैं उनको भी कोशिश करूं बट हंड्रेड प्लस सर्विसेज मैं भी अभी इतना एक्सपर्ट नहीं हूं उनमें सर्विसेज आईओटी भी आती हैं जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी है आप यू नो आपका मिक्सर ग्राइंडर आपके आपकी इवन सुई इवन आपकी चाबी इवन आपकी कीज़ वो डायरेक्टली आपके इंटरनेट से कनेक्ट होगी जो आपके लिए यू uh, नो you know, हेल्पफुल रहेगी तो इसके ऊपर डेवलपमेंट uh, चल रही है और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं और बहुत जल्दी हमें सुनने को मिल जाएगा कि कुछ ऐसी कीज भी आई हैं अगर वो लॉस्ट हो जाए तो हमें मिल जाएंगी जस्ट लाइक मोबाइल फोन्स यू नो फाइंड माई फोन या फाइंड माई एंड्रॉयड फोन्स ऐसी काफ़ी अप्लीकेशन आती हैं समथिंग लाइक दैट बट लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट अ लिड बेट अबाउट द कंप्यूटर सर्विसज फर्स्ट इन कंप्यूटर सर्विसेज़ हम बात करेंगे वर्चुअल मशीन की जो आज हमारा एक प्रैक्टिस भी है हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे उससे हमें यह समझ आएगा कि कैसे हमें क्रिएट करना है और कैसे हमें उस वर्चुअल uh, मशीन को कनेक्ट करना है और वहाँ पर आपको एक ब्यूटिफुल uh, कॉम्बिनेशन भी दिखेगा कि कैसे वर्चुअल मशीन जो कि एक डिफरेंट सर्विस है और नेटवर्किंग जो हमारी नेक्स्ट सर्विस है वो दोनों कैसे uh, आपस में कोलैबोरेट करती है और कैसे वो चीज़ें आपस में चलती हैं ईजिली हमें कोई नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है हमें तो जस्ट एक स्टेप फॉलो करना है जस्ट लाइक आई सेड विद सम क्लिक्स बस वो हमें कुछ क्लिक के साथ सब कुछ अलाव हो जाएगा मैं आपको दिखाता भी हूं और उसके लिए कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है किसी भी चीज में सो एक्जैक्टली वर्चुअल मशीन इज कवर्ड द कंटेनर्स डोंट थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द ब्लॉक कंटेनर्स कंटेनर्स में और भी सर्विसेज आती हैं ऑप्शन आते हैं Uh, हम आने वाले वीडियोस में शेयर भी करेंगे और uh, उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानेंगे भी और उसके साथ साथ मैंने एक एच स्टोरेज की वीडियो सीरीज़ डिफरेंट स्टार्ट की है uh, अभी तो एक ही वीडियो है बट आने वाले वीक uh, में मैं फर्दर वीडियोस उसमें अपलोड भी करूँगा सो स्टे ट्यून गाइस सो एक्चुअली ये सब कंप्यूट uh, के कॉन्सेप्ट हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है नेटवर्किंग ऑब्वियसली uh, uh, कुछ uh, सर्टेनिटी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं जैसे कि आपने एक वर्चुअल मशीन बना तो ली बट आपको पब्लिक एक्सेस कैसे देना है क्योंकि आपका एक प्लान भी है कि मेरे पास कुछ एप्लीकेशन है मैं सिंपली उनको माइग्रेट करके एजोर में और उनको मैं डिप्लॉय करना चाहता हूं ठीक है वो डिप्लॉय तो हो गई बट नेक्स्ट स्टेप क्या है नेक्स्ट स्टेप है आपको एक्सेस देना पब्लिकली जितने भी लोग हैं वर्ल्ड वाइड उसे एक्सेस कर पाए वो कैसे देंगे वो सारा कॉन्सेप्ट वो सारी चीज़ें कवर होती हैं नेटवर्किंग में जिसको हम टच भी करेंगे आने वाले टाइम में तो उसमें वी नेट्स भी आएगा उसमें नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी आएगा बल्कि आज आपको एक कॉम्बिनेशन मैं दिखाऊंगा भी वी और एनएस के बीच में फेडी इंटरेस्टिंग एंड ग्रेट टू सी एंड लर्न उसके साथ साथ हमारे दो और सर्विसेज भी हैं जो हम कवर करेंगे आने वाले टाइम में एक तो है स्टोरेज जिसका अभी कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस भी किया था जो कि है एक फाइल स्टोरेज जहाँ पर यू नो पर्सन कैन स्टोर द डेटा एंड उसको कहीं से भी सिक्योरली वो एक्सेस कर सकता है उसके ऊपर प्रॉब्लम uh, नहीं होती है बिकॉज सिक्योरिटी तो है ही है और एक कंसिस्टेंसी भी है बिकॉज वहां पर वो 24 फोर बाय सेवन फाइल आपकी अवेलेबल रहती है सो अगेन स्टेट फॉर एजियो स्टोरेज मैं और वीडियो डालूंगा तो वहां पर हम और भी सीखेंगे इसके बारे में बट अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे स्टोरेज के बारे में ज्यादा उसके साथ हमारे डेटा भी आते हैं बिकॉज हमें सबको पता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन किसी डेटाबेस को मेनटेन करने के लिए सोचती है तो माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर इज द फर्स्ट प्रेफरेंस लेकिन यू नो एशोर इज अ फ्लेक्सिबल प्लेस जहां पर आपको माई सीक्वल नो हडूप और जो बाकी यू नो डेटा बेस सैपाना ये सारे डेटा की जो पॉसिबिलिटीज़ है आपको एजोर में मिल जाएगी और बहुत ही सीमलेसली ये एक तरह से कनेक्टेड है एजोर के साथ सो so, आपको भी ये लगेगा कि इट्स वेरी इजी एंड आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा इन रिसोर्सेज या इन वर्कलोड्स को डिप्लॉय करने के लिए सो गाइज लेट्स डू वन थिंग ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट थो हुआ थोड़ा आइडिया लगा हमें हम क्या करने वाले हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम एक वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय कर सकते हैं बिकॉज यहां पर मैं इमेजिन कर रहा हूं कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहा हूं और मेरे पास एक डिवेलपर है एक डिवेलपर है जो मेरे साथ है या आप इमेजिन कर सकते हैं एक डिवेल्पर है जो यूएस में है और वो एक फ्री है मैंने उससे कॉन्टैक्ट किया बिकॉज यू नो प्राइसिस आर एक्चुअली गुड वी हैव अ गुड डील टूगेदर सो so, uh, उसने कहा कि मैं वहां बैठ के एक्सेस कर दूंगा आप वन पॉसिबिलिटी जो पहले ट्रेडिशनल वे होता था लैपटॉप वेंडर से लेते थे वो लैपटॉप के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता था उसके बाद उसको सिक्योरिटी यू नो प्रोवाइड करा के जो भी सिक्योरिटी एप्लीकेशन डालनी थी वो करके हमें नेटवर्किंग वगैरह अलाउ करके हमें किसी पर्सन को देना पड़ता था और उसके बाद वो डेवलपमेंट शुरू करता था बट आज की डेट में ऐसा करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इन एजरो वी सिम्पली नीड टू क्रिएट द मशीन एंड थिंग्स आर रेडी टू मूव स्ट्रेट अवे इन कपल ऑफ मिनट्स लेट मी शो यू सो फाइनली हम एशो पोर्टल में हैं और वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने से पहले हम एशो पोर्टल के बारे में जान लेते हैं कि उसे एक्सेस कैसे करना है और उसमें जो नेविगेशन जो ऑप्शन अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं और वो क्या करते हैं एटलीस्ट एक ब्रीफ आइडिया लेना तो जरूरी ही है सो so, सबसे पहले अगर आपको एजो पोर्टल को एक्सेस करना है आपको एक यू आर एल पर जाना है जो है पोर्टल डॉट डॉट कॉम जैसे ही ये यू आर एल अपने आप ब्राउजर में डालेंगे तो वहां पर एक स्क्रीन ओपन होगी उस स्क्रीन में आपको अपने क्रोडेंशियल डालने हैं आपको अपना अपना ई मेल आई डी एंड पासवर्ड डालना है और ये याद रखना है वो आपको सेम ई मेल आई डी एंड पासवर्ड डालना है जब आपने एजोर अकाउंट को ओपन करने के लिए यूज़ किया था या जिसके थ्रू आप सब्सक्राइब हुए थे सो so, जैसे ही आप क्रेड uh, क्रेडेंशियल डालेंगे तो आपके सामने ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा तो इस स्क्रीन को समझने के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं लेफ्ट से सो so, लेफ्ट के अंदर आपको थ्री लाइंस मिलेगी और वहां पर कुछ ऑलरेडी पिंड सर्विसेज मिलेंगी ये सर्विसेज मोस्ट कॉमनली यूज सर्विसेज में से एक है और यहां पर आप उनके थ्रू डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को अगर आपको कोई स्पेसिफिक सर्विस चाहिए और आपको यहां पर नहीं दिख रही है आप अपने सर्च बार में जाकर भी आ, उसके बारे में लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मुझे रिकवरी सर्विसेज वोल्ट पे जाना है तो मैं जस्ट टाइप करूंगा रिकवरी या फिर रिको मैंने टाइप किया तो ऑटोमेटिकली उसने मुझे बताया कि इज अ सर्विस ऑटोमेटिकलीम्ड उसका नाम है रिकवरी सर्विसेज वोल्ट मैं इसके थ्रू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं और उसके साथ साथ जो भी मार्केट प्लेस में ऑप्शन अवेलेबल हैं उसके थ्रू भी हम डायरेक्टली पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं इट्स अ ग्रेट ग्रेट टूल द सर्च आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट उसके बाद सर्च के बाद हमारे पास नेक्स्ट नेविगेशन है जिसके अंदर हम आते हैं एजरो सर्विसेज जैसा कि मैंने बताया कि एजरो सर्विसेज में हंड्रेड से ज्यादा सर्विसेज ऑफरिंग्स हैं और उनको देखने के लिए या उनके बारे में ज्यादा जानने के लिए हमें जस्ट क्लिक करना है मोर सर्विसेज जैसे मोर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो वहां पर ये वाली स्क्रीन आएगी लेकिन यहां पर भी सारी सर्विसेज आपको नहीं दिखेंगी अगर आपको सारी सर्विसेज के बारे में नॉलेज चाहिए देखना है आपको सिंपली क्लिक करना है ऑल सर्विसेज तो जैसे ऑल सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दिखेंगी सारी की सारी हंड्रेड प्लस सर्विसेज अंडर वन रूफ आप सारे के सारे सर्विसेज को एक्सेस कर पाएंगे ईजिली अगर इसे स्क्रोल डाउन करके वन बाय वन जाके देखना चाहते हैं इट्स रियली अ ग्रेट फन एंड आई वुड रेकमेंड यू शुड फॉलो एंड गो एट लीस्ट एंड चेक वंस ना उसके बाद अगर हमें और थोड़ा आगे बढ़ना है थोड़ा और आगे जाना है सो लेट्स गो बैक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर नेविगेशन ऑप्शन एज वेल सो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर हमारे पास मोस्ट रिसेंट रिसोर्सिस के बारे में नेविगेशन है सो so जो भी आप नए वर्चुअल मशीन या स्टोरेज बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपको रिसेंट रिसोर्सिस में दिखती जाएगी लेकिन अगर आपको ये कंसर्न है कि यार ये तो फिर कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही दिखाएगा बट मुझे एक एक प्लेस चाहिए जहाँ पर मैं अपनी मर्जी से पिन कर सकूं या फिर मैं अपनी मर्जी से उस डैशबोर्ड को क्रिएट कर सकूं तो यस yes, आप कर सकते हैं वो हमारा नेक्स्ट नेविगेशन में है जो कि है डैशबोर्ड मैं डायरेक्टली पहले डैशबोर्ड का बता रहा हूं क्योंकि डैशबोर्ड के अंदर आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली उसे आप अपने डैशबोर्ड में एक तरह से पिन कर सकते हैं सो so, अगर आपको डैशबोर्ड में जाना है आपको वहां पर वही रिसोर्सेज मिलेंगे जो आप देखना चाहते हैं और आप उसे पर्सनलाइज फॉर्म में अपने तरीके से उसे आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं फिलहाल मैं नहीं बता रहा हूँ बट अगर आपको उसके साथ थोड़ा प्ले करना है तो आप जा सकते हैं सॉरी अबाउट दिस वॉयस माई केड इज एयर ओ राइट सो नेक्स्ट वन वी हैव इज गो रिसोर्सेज यू मम्मी। ऑलराइट, राइट नेक्स्ट वन इज हमारे पास है ऑल रिसोर्सेज तो ओल्ड रिसोर्सेज के अंदर हम सारे रिसोर्सेज देख सकते हैं जो भी हमने अभी क्रिएट किए हैं सिमिलरली रिसोर्स ग्रुप सब्सक्रिप्शन सो क्वाइट हैंडी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर ऐसी कोई क्विक इन्फॉर्मेशन मिले हो आ, मेरे पास हो जिसमें मैं स्पेशली मैं सब्सक्रिप्शन uh, को चेक करना बहुत uh, ज़रूरी रहता है मेरे लिए बिकॉज मुझे मनी चेक करना होता है कि नेक्स्ट मंथ बिल कितना आएगा मेरे लिए सो या इट्स अ ग्रेट टूल आफ्टर दैट हमारे पास है नेक्स्ट है क्लाउड uh, शेल <coughs> ये एक्चुअली काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है अगर आप एक uh, uh, कोई भी रिसोर्स को डिप्लॉय करना चाहते हैं वाया टेम्पलेट सो आई थिंक क्लाउड शेल इज़ अ ग्रेट ग्रेट वे अगर आपको क्लाउड शेल के बारे में थोड़ी बैश की नॉलेज है आप अपने रिसोर्सेज वाया कमांड uh, यूज़ कर सकते हैं आपको कोई ज़रूरत नहीं है पोर्टल पर नैविगेशन पर जाने की बिकॉज आई कैन सी सम पीपल लाइक टू यूज़ स्क्रिप्ट सब पीपल लाइक टू यूज़ यू नो कमांड्स इंस्टेड ऑफ विंडोज बिकॉज मैंने लिनिक्स uh, <coughs> वालों से काफ़ी uh, बात सुना है <coughs> वो कहते हैं कि हर्ष यू गाइज डोंट बोर्ड विद द विंडोज बिकॉज विंडोज में जस्ट क्लिक 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 करना था वी लव एंड एंजॉय लिनिक्स ऑल द टाइम सो गाइज आई एग्री विद यू बट आई एम सो सॉरी आई डोंट इंजॉय राइटिंग एवरीथिंग आई इंजॉय विंडोज मोर सो सॉरी बट या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर विद लिनिक्स बिकॉज आने वाली वीडियोज में लिनिक्स के ऊपर भी हमें टच करना है बट अगेन

सो नेक्स्ट वन वी हैव इज अ नेविगेशन बार विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कन्वीनियंट ऑप्शन एक्चुअली नेविगेशन बार में आप जितनी भी डिप्लॉयमेंट आप करते हैं या कोई एक पर्टिकुलर सर्विस को आप डिप्लॉय करते हैं या स्टार्ट करते हैं या कोई एक डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस में होती है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस जगह मिलती है अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट ने कोई नोटिफिकेशन देना है या कोई अपडेट देना है आपको तो वो भी आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा सो इट्स अ ग्रेट ग्रेट वे एंड आई आई वुड रिकमेंड एवरी वन टू सी इन्फॉर्मेशन अंडर नोटिफिकेशन बिकॉज सम टाइम हमें वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है और उससे हमें हेल्प होती है कि अच्छा ये प्रॉब्लम हुई थी और इसके वजह से हमारा डिप्लॉयमेंट फेल्ड हुआ था वैसे मैं चाहूंगा नहीं कि आपका कोई डिप्लोमेंट फेल हो बट केस अगर आपके पास फेलियर हो तो नेविगेशन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वो आपको दे सकता है जो आप माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट से शेयर भी कर सकते हो सो so एग्जैक्टली exactly हमारा नेक्स्ट है फिर सेटिंग्स uh, का काफ़ी ही इजी uh, है इसको समझने के लिए पहले तो आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं जो आपको पोर्टल पे देखना चाहते हैं बिकॉज uh, कुछ को होता है कि आई डोंट लाइक इंग्लिश मुझे अपनी लोकल लैंग्वेज में देखना है तो आप यहाँ आकर अपनी लैंग्वेज uh, चूज़ कर सकते हैं और अपना पोर्टल आप देख सकते हैं हिंदी नहीं है आई नो सो वी प्रेफर्ड इंग्लिश है uh, उसके साथ साथ uh, जनरल में आके आप यू नो थीम्स चेक कर सकते हैं आप थोड़ा प्ले कर सकते हैं कि मुझे डार्क थीम चाहिए तो आई थिंक यू कॉन लाइक दिस डार्क थीम आपको मतलब आप अपनी मर्जी से इसे पर्सनलाइज कर सकते हैं तो मैं आपको बोर नहीं करूंगा इन सब चीज़ों को एक एक बार बता के और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको थोड़े एडिशनल यूजफुल लिंक भी मिल जाएंगे जो कि अभी मैं नहीं बताना चाहूँगा या मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा आपके साथ uh, आने वाले टाइम में ज़रूर करूँगा बट नॉट नाउ सो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन मार्क विच इज़ हेल्प एंड सपोर्ट गाइज़ आई डू अंडरस्टैंड जब हम कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर रहे होते हैं हमें कभी कभी कुछ सर्विसेज में प्रॉब्लम्स आती हैं सो so, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट uh, की तरफ से कोई हेल्प चाहिए आप सिंपली इस क्वेश्चन मार्क पे आ सकते हैं हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं और ये आपको नेविगेट करेगा एक स्क्रीन पे जहाँ पर आप एक रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट टीम आपके साथ कॉन्टैक्ट में होगी और वो आपकी हेल्प करेगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और फिक्स करने के लिए सो इट्स अ ग्रेट एंड हैंडी प्लेस आई आई वुड रेकमेंड एवरी वन टू गो एटलीस्ट वंस एंड चेक दिस फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन उसके बाद हमारा नेक्स्ट है फॉर द फीडबैक अगेन आई लाइक दिस बिकॉज एजो माइक माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट टीम आपके जो फीडबैक है उसको काफ़ी सीरियसली लेती है और मैं आपको रेकमेंड करूँगा अगर आपके पास कोई सजेशन है या फिर आप किसी फीचर से हैप्पी नहीं है आप डेफिनेटली अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो और प्रोडक्ट टीम हर एक फीडबैक को रिव्यू करता है सो या दैट्स हाउ वी प्लेड इन माइक्रोसॉफ्ट उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जो लास्ट नेविगेशन ऑप्शन हमारा जो हमारा अकाउंट लॉग इन है वो वाला तो आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है यू कैन साइन आउट फ्रॉम हेयर और आप डायरेक्टरी uh, स्विच कर सकते हैं जो कि हमारा ऑलरेडी हम देख चुके हैं डायरेक्टरी सब्सक्रिप्शन में उसके साथ साथ हम डिटेल में जाना चाहें तो हमारे अकाउंट के डिटेल में भी जाना जा सकते हैं सो या दैट्स ऑल द नेविगेशन ऑप्शन वी हैव ऑन एज पोर्टल एट द मोमेंट और उसके साथ साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अब हम वापस आते हैं हमारे प्रैक्टिस पे सो so, जो हमने सोचा था कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की अप्रोच है और वहाँ पर मैंने एक ऐप डेवलपर को हायर किया है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना लेकिन उससे पहले उसको डेवलप करना पड़ेगा उसको राइट right नाउ उसको क्या चाहिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एटलीस्ट उसको एक लैपटॉप चाहिए जहां पर वो अपनी डेवलपमेंट शुरू कर सके उसके लिए रिक्वायरमेंट है विंडोज टेन बट ये पहले ट्रेडिशनल वे क्या होता था लैपटॉप हम किसी वेंडर से कॉन्टैक्ट करते थे वो लैपटॉप या डेस्कटॉप लेके आता था ऑपरेटिंग सिस्टम डालता था हम वेट करते थे और फिर हम उस डेवलपर को देते थे बट अब हमने अप्रोच रखी है क्लाउड की सो so, क्लाउड में हमें वर्चुअल मशीन बनानी है और वो विंडोज 10 वाली सो so, उसको बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है आपको सिंपली एजो पोर्टल में आना है जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको फाइंड आउट करना है राइट सर्विस सो इसके लिए हमारी राइट सर्विस है वर्चुअल मशीन सो हमने जस्ट वर्चुअल मशीन को क्लिक करना है सो so, इस नेविगेशन बार में यहां पर आपके पास वर्चुअल मशीन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी करंटली मैंने कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं की है तो हमें एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है उसके लिए हमें क्लिक करना है क्रिएट वर्चुअल मशीन तो जैसे ही हम वर्चुअल मशीन को क्लिक करेंगे वहाँ पर तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी और यहाँ पर सबसे पहले तो अपना सब्सक्रिप्शन चूज कीजिए और मैं अभी आपको डिस्क नेटवर्किंग मैनेजमेंट एडवांस टैग्स इन सब के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा टारगेट है हाफ़ एन आवर हाफ़ एन आवर में मुझे विंडोज़ क्रिएट करके एक्सेस देना है ऐप डेवलपर को ताकि वो अपना काम कर पाए So, उसके लिए मुझे क्विकर काम करना है तो बस मुझे जल्दी से एक वीएम डिप्लॉय करनी है सो स्टेप नंबर वन आप आ, अपना रिसोर्स ग्रुप का नाम दे सकते हैं चाहे तो आप नया रिसोर्स ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं तो मेरा ऑलरेडी था तो मैंने वहां पर दिया है डीसी उसके बाद मुझे नाम देना है अपनी वर्चुअल मशीन का मैंने नाम दिया हर वीएम आप।, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आपका प्रेफर्ड हो उसके बाद डेफिनेटली uh, आपका रीजन मैटर करता है सो so, मैंने जैसे बताया कि अगर आप यू एस में uh, काम कर रहे हैं या यू में हैं तो आई वुड रेकमेंड टू चूज़ यू एस लोकेशन अगर आप इंडिया में हैं तो नियरेस्ट लोकेशन को आप फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर आप अपना डिप्लॉयमेंट uh, कर सकते हैं अपनी वर्चुअल मशीन को क्योंकि वहाँ पे लेटेंसी आपको काफ़ी uh, कम मिलती है और आपकी एक्सेस स्पीड ज्यादा रहती है सो so, अभी मैं एज एन एक्जाम्पल मैं सेंट्रल यू को चूज़ करूँगा यहाँ पर वेस्ट सेंट्रल यू उसके बाद मैं अभी कोई अवेलेबिलिटी ऑप्शन चूज़ नहीं करूंगा और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी इमेज है वो यूबन सर्वर uh, की चूज़ है जो कि मुझे नहीं यूज़ करनी है बिकॉज मेरी रिक्वायरमेंट है विंडोज़ टेन की सो so, उसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्लिक करना है ब्राउज ऑल और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो वेंडर्स ने काफ़ी सारे ऑलरेडी इमेजेस मुझे प्रोवाइड करवाई हैं सो यू नो ओपन वी पी एन यू दिस होटन वर्कस मैंने कभी सुना नहीं बट या अगेन मे बी यू गायज अर अवेयर बैराकोडा सो यू कैन फाइंड टर्मस ऑफ डिफरेंट इमेजेस फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स जो आपको हेल्प करेंगे एजोर में अपनी सर्विसेज को डिप्लॉय करने के लिए हाउ हमें यहाँ पे विंडोज 10 सेलेक्ट uh, करनी है चूज करनी है हमारे वीएम को क्रिएट करने के लिए सो so मैंने टाइप किया विंडोज 10 एंड ऑटोमेटिकली उसने रिकॉग्नाइज किया विंडोज 10 को और मैं यहां पर चूज करूंगा विंडोज 10 प्रो जनरेशन टू विच इज द लेटेस्ट वर्जन टू अपडेट उसके बाद मैं नीचे जाऊंगा तो वहां पर मुझे अभी कोई आ, मेरे को डिफॉल्ट मेरे को सब चीज़ें चूज करनी है एक्सेप्ट जो मेरी साइज है वो सिलेक्ट करना है मुझे तो एज एन एग्जाम्पल मैं यहां पर सिलेक्ट करूंगा सेकंड वाला जो कि है डी टू एस वी थ्री सो सेलेक्ट सेकेंड करके मुझे सर सेलेक्ट करना है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मेरे को यूजर नेम एंड द पासवर्ड मुझे क्रिएट करना है ताकि मैं अपनी वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर पाऊं सो so, मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड वहाँ दिया एंड एवरीथिंग इज बेस्ट आफ्टर दैट मुझे अभी ये एन एस जी के बारे में भी बताना है बट ये हम बाद में बात करेंगे तो सिंपली क्लिक ऑन रिव्यू एंड क्रिएट या गूगल मुझे पासवर्ड सेव नहीं करना है सो so, <laughs> उसके बाद मैंने जब रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स उसने मेरे लिए अपने आप बनाई मुझे कुछ नहीं करना पड़ा मुझे किसी चीज़ की कोई नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है सिंपली मैंने क्लिक किया क्रिएट दैट्स इट सो so, ऑटोमेटिकली मेरी डिप्लॉयमेंट इसके बाद शुरू हो जाएगी और जैसे डिप्लॉयमेंट फिनिश होगी उसके बाद हम अपनी वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर पाएंगे और जैसा कि मैंने बताया अगर आप डिप्लॉयमेंट को देखना चाहते हैं यू कैन ऑल्सो गो इन टू द नेविगेशन बार एंड यू कैन सी ऑल डिटेल्स राइट इन द डिप्लॉयमेंट आई मीन राइट इन दिस नेविगेशन और इन नोटिफिकेशन एरिया जैसे कि अभी हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि बिहाइंड द सीन जो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आई पी एन एच जी सिक्स वन फाइव सब उसने जो नेटवर्क इंटरफेसिस क्रिएट की है वो कैसे किए बिहाइंड द सीन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ आइडिया हम ले लेते हैं हमारी वर्चुअल मशीन की डिप्लॉयमेंट अभी प्रोग्रेस में है ड्यूरिंग दिस टाइम हम क्या करते हैं थोड़ा सा जल्दी हम समझने की कोशिश करते हैं अ हाई लेवल की कैसे एजोर काम करता है इन द बैक एंड तो मैंने ये पिक्चर यहाँ पर डिज़ाइन की है और ये बहुत ही आसान तरीका है हर एक एजरो सर्विसेज को समझने के लिए बिकॉज आप ये मत सोचिएगा कि जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो वर्चुअल मशीन के लिए ही है या फिर नेटवर्किंग के लिए ही है या किसी और स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए है नहीं ये इम्प्लीमेंट होता है ये स्ट्रक्चर सभी एज्रो सर्विसेज के लिए अप्लाई होती है सो so, कैसे बिहाइंड द सीन चीजें काम करती हैं उसके लिए सबसे पहले हम पोर्टल में जाते हैं जो कि हमने लॉग किया था फिर हम जो भी सर्विस हम चूज करना चाहते हैं हमने वो सर्विस चूज की थी अभी हम एज एन एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारी वर्चुअल मशीन का सो so, जब हमने क्लिक किया क्रिएट वर्चुअल मशीन तो उससे रिलेटेड जो एपीआई थी मतलब जो भी हमारी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो भी एपीआई थी वो एप्लीकेशन हमारी कॉन्टेक्ट करती है ऑर्केस्ट्रेटर से तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ऑर्केस्ट्रेटर एक तरह का मास्टर प्लेस होता है जहां पर सारी इंस्ट्रक्शंस को भेजा जाता है और ये ऑर्केस्ट्रेटर ट्रेटर डिसाइड करता है कि ये इंफॉर्मेशन किस पर्टिकुलर फैब्रिक कंट्रोलर को भेजनी है और यहां पर हमारा फैब्रिक कंट्रोलर जो रहता है वो एक तरह का सर्वेंट रहता है मैं आई थिंक सर इज नॉट अ राइट वर्ड बट ये हेल्पर रहते हैं हमारे रिसोर्सेज को क्रिएट करने के लिए डेटा सेंटर्स के अंदर सो so वो करता कैसे है जब ए पी आई रिक्वेस्ट ऑर्केस्ट्रेटर को भेजता है सो ऑर्केस्ट्रेटर एनालाइज करता है कि, कि किस टाइप की वी एम है वीएम का नाम क्या है वीएम की स्टोरेज क्या है उसमें नेटवर्किंग इंटरफेस के लिए हमने क्या रिक्वायरमेंट दी है उसके अंदर हमने कौन सा साइज़ चूज़ किया है उसमें कोई हमारी सिक्योरिटी या एनर्जी अप्लाई है कि नहीं सो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करता है और उसको कंबाइन करके वो इंफॉर्मेशन हमारी भेजता है फैब्रिक कंट्रोलर्स को सो so, ये जो फैब्रिक कंट्रोलर्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन रिक्वेस्ट को लेना और कहते हैं येस मास्टर मी चेक इन द डेटा सेंटर ये सारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल मेरे डेटा सेंटर में हो जाएगी या नहीं बिकॉज वहाँ पर कंप्यूट सिस्टम्स भी रहते हैं वहां पर नेटवर्किंग कंप्यूटर सिस्टम भी रहते हैं तो बहुत कुछ चीजों से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है तो यह फेब्रिक कंट्रोलर डेटा सेंटर्स को बोलता है hey guys, ये रिक्वायरमेंट है कस्टमर्स की तरफ से या फिर एक कंज्यूमर की तरफ से लेट मी मेक अ कंज्यूमर Maybe he's not looking good, but I think you get my point with one eye. Yeah. ट्स गुड सो ये फेब्रिक कंट्रोलर हमारे डेटा सेंटर को कॉन्टैक्ट करता है वेरीफाई करता है कि ये चीजें क्रिएट हो जाएंगी क्या नहीं जब डेटा सेंटर कहता है येस फेब्रिक कंट्रोलर वी कैन हैंडल इट एंड आप रिक्वेस्ट भेज दो हम ये रिसोर्सेस क्रिएट कर लेंगे तो फेब्रिक कंट्रोलर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपने रिसोर्सेस को क्रिएट करना शुरू करता है और ये फेब्रिक कंट्रोलर वो कंफर्मेशन भेजता रहता है ऑर्केस्ट्रेटर को और ऑर्केस्ट्रेटर हमारे पोर्टल में वो इन्फॉर्मेशन शो करता रहता है कि वो रिसोर्स डिप्लॉय हो गया है या नहीं हो हो गया है सो so, ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे एजरो सर्विसेज में उन सब के लिए तो आई थिंक आपको काफी कुछ आइडिया लग गया होगा कि कैसे बिहाइंड द सीन एजरो के अंदर चीजें काम करती हैं नाउ हम वापस चलते हैं हमारे पोर्टल पे और वहां देखते हैं कि क्या हमारी वर्चुअल मशीन रेडी हुई कि नहीं सो गाइज ऑसम आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी रेडी हो गई है और आई थिंक इट टुक ओनली थ्री मिनट्स एंड कपल ऑफ सेकेंड सो फेडी फास्ट सो यह डिप्लोम क्लिक होने के बाद एक ऑप्शन तो यह है कि आप जब नोटिफिकेशन में जाकर यह गो टू तो रिसोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको ये डायरेक्टली वर्चुअल मशीन के पास ले जाएगा उसके साथ साथ आप एक और भी ऑप्शन कर सकते हैं कि आप सिंपली होम पेज पर पे जाइए जो कि हमारा यहाँ पर है और उसके बाद जो वर्चुअल मशीन हमारा टैब है उस पर क्लिक कीजिए सो so, यहाँ पर आप अपनी वर्चुअल मशीन को देख सकते हैं लाइक दिस जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो यू कैन वेरीफाई द स्टेटस जो कि आपको यहाँ दिख रहा है कि रनिंग विच इज आसम एंड ग्रेट हमारी वर्चुअल मशीन अभी रेडी है और उसको एक पब्लिक आई पी एड्रेस भी असाइन हो गया है सो so, हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना और वेरीफाई करना कि सब चीजें ठीक चल रही हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बूट कर रहा है या नहीं ताकि मैं इसका एक्सेस मेरे ऐप डेवलपर को दे पाऊँ सो so, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है एन एस जी सो so, मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जहां पर आरडीपी बाई डिफॉल्ट अलाउड नहीं होता तो हमें एक रूल बनाना है इन बाउंड एंड आउट बाउंड आरडी पी प्रोटोकॉल को एक्सेस करने के लिए जिसका पोर्ट नंबर है थ्री थ्री एट नाइन बाय डिफॉल्ट सो उसको जब हम अलाउ करेंगे उसके बाद हम अपनी वर्चुअल मशीन से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कैसे हम उसे अलाउ कर सकते हैं एनर्जी के थ्रू तो उसके लिए हमें नेविगेट करना है अंडर सेटिंग्स ऑफ वर्चुअल मशीन नेटवर्किंग वैसे इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे आने वाले टाइम में बट लेट मी डू इट क्विक फॉर यू सो जैसे आप यहां आएंगे यहां पर हमने क्लिक करना है एड इन बाउंड पोर्ट रूल वैसे तो एडवांस भी इजी रहता है बट उसके से उससे पहले लेट्स फॉलो द बेसिक वन बिकॉज ये आपको और भी आसान लगेगा अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि कौन सा प्रोटोकॉल क्या ऑप्शन चूज करना है सो so, बेसिक पे जाइए तो वहाँ पर जो सर्विस है वहाँ पर क्लिक कीजिए और आपको प्रोटोकॉल अगर आप अवेयर हैं या आपका कोई कस्टम प्रोटोकॉल नहीं है स्टैंडर्ड वन है तो वहाँ पर प्रोटोकॉल आप चूज कर सकते हैं सो इन दिस एग्जाम्पल मैं चूज करूँगा आर डी पी सो आर डी पी चूज़ करके पोर्ट नंबर हमारा है थ्री थ्री एट नाइन प्रायोरिटी मैं रखता हूं यहां पर फॉर एग्जाम्पल टू हंड्रेड सो उसके बाद यहां पर आप नाम दे सकते हैं इस रूल को मैंने नाम दिया आर डी पी एक्सेस इन आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपको पसंद हो सो so, आपने जस्ट क्लिक किया और नोटिफिकेशन uh, में गए और वहाँ पर रिव्यू किया कि आपका जो रिक्वेस्ट या डिप्लॉयमेंट है वो कैसी चल रही है क्या वो कंप्लीट हुई या नहीं सो so, जैसे कंप्लीट हो जाएगी आपको ये साइन आ जाएगा विच इज़ ग्रेट नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ आउट बाउंड रूल एज वेल सो आउट बाउंड के लिए जस्ट सेम प्रोसीजर हमने फॉलो करना है कुछ स्पेशल हमने नहीं करना है सो so, कस्टम की जगह हमने चूज़ करना है आर डी पी पर प्रायरिटी हंड्रेड ठीक है मेरे लिए उसके बाद नाम देना है सो so, मैंने नाम दिया आरडीपी एक्सेस आउटबाउंड सो जैसे मैंने क्लिक uh, किया जो रूल हमारा जैसे क्रिएट हो जाएगा उसके बाद हम uh, कोशिश करेंगे इस वीएम से कनेक्ट करने के लिए सो जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स यप रूल इज क्रिएटेड नाउ लेट्स गो बैक टू ओवर व्यू यहां पर क्लिक करना है और यहां पर हमारा ऑप्शन है फर्स्ट कनेक्ट सो so, जैसे आप यहां पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है आरडीपी बिकॉज अभी मेरे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है सो so मैंने यहां पे आरडीपी पे क्लिक किया और यहां पे ऑटोमेटिकली पब्लिक आईपी एड्रेस उस वर्चुअल मशीन को असाइन है और यहां पर मेरे को डाउनलोड करना है आरडीपी फाइल सो जैसे मैं डाउनलोड करूंगा और इस आरडीपी फाइल पर क्लिक करूंगा सो ये ऑटोमेटिकली मुझे रिक्वेस्ट करेगा कनेक्ट करने के लिए क्लिक कीजिए कनेक्ट पे और वहां पर फिर आपका एक सिक्योर एक्सेस जनरेट होगा वहां पर आपको अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है और आपको वही क्रोडेंशियल यूज करने हैं जो आपने इस वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते वक्त यूज किए थे या एटलीस्ट आपने जो डिजाइन किए थे तो एज एन एग्जाम्पल मैंने किया था हर्ष एडमिन और माई सीक्रेट पासवर्ड उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद जैसे क्लिक ओके करना है तो ऑटोमेटिकली वो एक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए आ, हमें वेरीफाई करने के लिए बोलेगा सो so, जैसे ही आपका कनेक्शन स्टेब्लिश होगा आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी और आपको यहाँ पे क्लिक करना है येस तो जैसे ही आप कनेक्ट मीन्स क्लिक करेंगे येस पे तो ऑटोमेटिकली ये ट्राई करेगा उसके साथ एक आर uh, एक्सेस करने के लिए वी के लिए सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी वर्चुअल मशीन कनेक्ट है एंड सक्सेसफुली मैं उसे एक्सेस कर पा रहा हूं आरडीपी के थ्रू सो so, या yeah, मतलब बहुत ही आसान होता है जैसा कि और मैंने पहले बताया था कि इस वर्चुअल uh, मशीन को क्रिएट में होने में जस्ट थ्री मिनट्स एंड कपल ऑफ सेकंड ही लगे थे सो थिंक अबाउट इट हम कितनी जल्दी अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर सकते हैं और हमारे ऐप डेवलपर को ये क्रीडेंशियल प्रोवाइड करवा के मैं उसे एक्सेस भी दे सकता हूँ तो फ्री हैंडी एंड फ्री क्विक एक्चुअली सो गाइज दैट टू बी ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी सो so, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम कोर एज सर्विसेज को शुरू कर चुके हैं और आप मैं धीरे धीरे सर्विसेज uh, के बारे में बता के उनके बारे में प्रैक्टिकल uh, भी आपके बारे आपको बताना चाहूँगा एंड शेयर भी करूँगा ताकि आप उसे इजी वे uh, में लर्न कर पाएँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ uh, इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स और जो भी इसे फ्री में सीखना चाहते बिकॉज़ मेरा टारगेट ही ये है कि आप लोगों को मनी स्पेंड ना करना पड़े इन ट्रेनिंग्स के ऊपर ओल दो काफ़ी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन अवेलेबल है बट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस या फिर डिटेल में उनके बारे में थोड़ी सी कम है सो दैट्स दैट्स माई टारगेट एंड मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज्यादा लो, ज़्यादा लोग सीखें एंड इसके इस uh, ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाएँ एल्स फॉर नाउ प्लीज़ गाइज अपना ख्याल भी रखिए अपनी सेहत का भी कोविड नाइन्टीन है और मैं श्योर एंड प्रे करता हूँ कि आप सारे uh, अच्छे से रहें रहे हैं आपकी फैमिली सेफ हैं सो प्लीज़ टेक केयर एंड जो बाकी की और भी न्यूज़ मैं सुन रहा हूँ उससे भी थोड़ा सा प्लीज़ uh, अपना ध्यान रखिएगा बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एंड

या गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फॉर टुडे एंड मैं प्रे करता हूँ आप सब सब लोग अच्छे से रहें खुश रहें इंजॉय करें लाइफ को एंड कीप लर्निंग विद मी स्टे सेफ स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ पीस